केंद्र की भाजपा सरकार ने संसद में अभी 3 दिन पहले एक कानून लेके आए हैं। उस कानून में लिखा है, एक बात तो लिखी है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। उस कानून में लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। तो भाई साहब फिर हमारा क्या मतलब होगा, फिर जनता का क्या मतलब होगा, फिर आपका क्या मतलब होगा, फिर देश की जनता का क्या मतलब होगा? अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो दिल्ली की जनता कहाँ जाएगी? दिल्ली की जनता की चलेगी नहीं चलेगी? मुख्यमंत्री कहाँ जाएगा? फिर चुनाव क्यों कराए थे? फिर चुनाव क्यों कराए थे? जनता लाइन में क्यों लगी थी? जनता ने वोट क्यों दिया था? जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचा? जनता के चुनाव का कोई मतलब नहीं बचा? जनता की सरकार का कोई मतलब नहीं बचा? जनता ने 70 में से 65 सीट दी, उसका कोई मतलब नहीं बचा? अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो फिर तो जनता का, जनता के साथ तो धोखा हो गया, ये तो गलत हो गया। दूसरा, इस कानून में लिखा है कि अब सारी फाइलें दिल्ली सरकार की, सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेंगी।